वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, कार इंट्रो में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रैक्टर में जो कि मॉडिफाइड, इसको आप कह रहे हो मॉडिफाइड, बट ये मॉडिफाइड नहीं है, ये कंपनी से स्टॉक ही ऐसा आता है। अगर हम बात करते हैं इस मॉडल की, कौन सी मॉडल का ये ट्रैक्टर है और कौन सी कंपनी है, सोनालिका का वर्ल्ड ट्रैक 90RX आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है। साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि ये मॉडिफाइड है, बट ये मॉडिफाइड नहीं है, ये कंपनी से ही स्टॉक आता है। अब साथ हम लोग बात करते हैं, ये है हमारा केबिन ट्रैक्टर। हम लोग बात करते हैं ट्रैक्टर के सबसे पहले फ्रंट में, तो फ्रंट में अगर हम बात करें सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि आप ये देख रहे हो, आपको ग्रिल देखने को मिलती है। इसके साथ आपको इधर सोनालिका की बैजिंग देखने को मिलती है। साथ हम लोग बात करते हैं आपको फिर मिडल में आपको ग्रिल देखने को मिलती है, इस साइड आपको दो हेडलाइट देखने को मिलते हैं जो कि हेलोजन है, नीचे आपको फिर से ग्रिल देखने को मिलती है। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ और ये आपको वेट देखने को मिलता है, जो कि अप्रोक्स आपका 2 क्विंटल के आसपास आपका वेट है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे अगर साइड प्रोफाइल के अंदर, तो साइड प्रोफाइल में आपको सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर आपको फ्रंट टायर देखने को मिलता है जो कि अगर हम टायर की बात करें तो आपको गुडियर का टायर देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इधर आपको गुडियर की टायर की बैजिंग देखने को मिलती है। साथ अगर हम टायर के साइज़ की बात करें तो इधर आपको 12-4-24 का आपको नंबर देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर के टायर के साइज़ का। सो फ्रेंड्स, आपको टायर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, इधर आपको सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 90RX की आपको बैच देखने को मिलती है, ऊपर आपको सिकंदर देखने को मिल जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं अगर साइलेंसर की, तो फ्रेंड्स जो आप साइलेंसर देख रहे हो, साइलेंसर के ऊपर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, ताकि कोई अगर इसके ऊपर यूँ हाथ रखे तो उसका हाथ ना हीटअप हो, उसकी ये प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलते हैं, बट साइलेंसर आपको अंदर से ऐसा होता है। साथ हम लोग बात करते हैं अगर बिल्कुल सेंटर में, तो आपको सबसे पहले ऊपर जो केबिन देखने को मिलता है, केबिन के अपर पोर्शन में जो आपको मर्करी लाइट्स देखने को मिल जाते हैं दो फ्रंट में, और उसके साथ आपको सिंगल वाइपर देखने को मिल जाता है केबिन के आउटर पोर्शन पे। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि जो इसके जो ग्लास हैं वो चारों टिंटेड है। साथ हम लोग एक बार बात करें तो इधर आपको 2 ORVM देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर के आउटर साइड पे, एक इस साइड और एक आपको दूसरी साइड। साथ हम लोग बात करते हैं जो ट्रैक्टर का जो हमारा रियर टायर है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको गुडियर का टायर देखने को मिलता है। इसके साथ आपको टायर की जो आपको टायर की लुक है वो कुछ ऐसे देखने को मिलती है। अगर हम इसके टायर साइज के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको 18-4-30 का टायर देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हो। अब इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको अपर पोर्शन पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको हार्ड पोर्शन में देखने को मिलता है, जैसे कि ABS वगैरह होता है अपना, वैसे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर लोहे का होता है तो वो जो आपको जो स्लश वगैरह देखने को मिलता है वो जो यहाँ पे लग जाता है, तो उससे क्या होता है, ये चादर जो होती है वो गल जाती है ज़्यादा टाइम में, तो इससे लुक भी एक ट्रैक्टर की जो है वो एनहेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। सो इस साइड आपको एक अपर इस साइड में आपको जो ग्लास देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत ज़्यादा लेंथी देखने को मिलता है, और इसके जो जितने भी इसके ग्लासेस हैं वो सारे ओपन है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बंद ही रहता है वो खुलता नहीं है। साथ हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आपको ट्रैक्टर का मैंने आपको टायर बताया था, बीच में बिल्कुल सेंटर में इसमें आपको इधर वेट देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको जो ट्रैक्टर के अंदर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है, इसके पीछे आपको बैटरी का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आप ये देख रहे हो इधर आपको बैटरी बॉक्स देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं एक बार इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऊपर आपको मर्करी लाइट्स, अगेन दोबारा आपको मर्करी लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ आपको जो कैरी मिलता है पीछे से आपको वाइट देखने को मिलता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं, इधर आपको रियर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपकी ब्रेक रहती है, और साथ में आपको इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो आपको जो रियर की प्रोफाइल मिलती है वो आपको कुछ देखने को ऐसे मिलती है। जी, मैंने आपको रियर बताया था रियर प्रोफाइल के अंदर, तो रियर प्रोफाइल के अंदर आपको इस साइड जो आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है, या आपको वाइपर जो हमारा चलता है उसके लिए जो पानी आता है ना वाइपर, वो जो हमारा वॉशर होता है उसके लिए आपको जो पानी देखने को मिलता है वो आपको यहाँ से ये आपको बॉक्स देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर साइड प्रोफाइल की, तो अंदर साइड प्रोफाइल में आपको देखने को कुछ ऐसा मिलता है ट्रैक्टर, जो कि आपको उस साइड से मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था। इसके साथ हम लोग बात करते हैं, इस साइड आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आपका 80-90 लीटर के अप्रोक्स आपको डीजल देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो डीजल फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है, और यहाँ से आपका फिलअप होता है, और ये आपका सारा टैंक देखने को आपको नीचे से देखने को मिल जाता है। चलिए एक बार जरा इसके इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी एक यूनिक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको ये इसको प्रेस करके फिर आपको खोलना पड़ेगा, और इस साइड आपको हाइड्रोलिक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कई जगहों में हाइड्रोलिक्स नहीं होते कई पीसों में। साथ हम लोग अगर एक बार इसके अंदर बात करते हैं, एक बार इसके इंटीरियर में चढ़ते हैं, तो इंटीरियर में चढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो आपको केबिन देखने को मिलेगा, केबिन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर जो आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगा आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, टिल्ट का हाइड्रोलिक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा नीचे से। साथ हम लोग बात करते हैं इसके अंदर अगर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है वो आपको देखने का कुछ ऐसा मिलता है, जिसके अंदर इधर आपको इंजन टेम्परेचर मिलता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उस साइड आपको फ्यूल कैपेसिटी के लिए देखने को मिलता है। साथ हम लोग बात करते हैं इस साइड आपको हैंड रेस्ट देखने को मिलती है, इस साइड आपको अगर हम लेफ्ट साइड में बात करते हैं, इस साइड आपको इधर आपको हॉर्न देखने को मिलता है, इस साइड आपको पास वगैरह और अपना लाइट्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इस साइड आपको सारे सेंसर्स के बारे में नॉलेज देखने को मिलती रहती है, ताकि कि कल को यहाँ पे कोई वो ना हो कि अगर एक कल को एक भी सेंसर इसके अंदर काम नहीं करता तो इसके अंदर ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता, ये सारा जो हमारा ट्रैक्टर है ये सारा
सेंसर बेस्ड है। साथ हम लोग बात करते हैं, इस साइड आपको क्लच देखने को मिल जाएगा, उधर आपको ब्रेक देखने को मिलेगी, और उस साइड आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगी, और इधर आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा। चलिए अब एक बार हम लोग बात करते हैं इसके गियर्स के बारे में। तो इस साइड आपको फॉरवर्ड का देखने को मिल जाता है, और पीछे इधर आपको रिवर्स का देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गियर की। इधर तो इसमें आपको जो गियर मिलेंगे, आपको इसमें 12 रिवर्स मिलेंगे और 12 फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपको इसमें 24 गियर देखने को मिलेंगे, और इधर आपको अपना लिफ्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस साइड आपको हैंडब्रेक देखने को मिल जाती है, इस साइड आपको पीटीओ का क्लच देखने को मिल जाता है, इधर आपको पीटीओ का गियर देखने को मिल जाता है इकोनॉमी वगैरह के लिए। इसके साथ हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो इधर आपको सिंगल पर्सन बैठने के लिए आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मेन चीज़ है, उसके अंदर ये कि आपको इसमें एसी केबिन देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इधर तो आपको सामने स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, ये वाला एक स्पीकर आपको इधर देखने को मिलता है, एक स्पीकर आपको इधर देखने को मिलता है। साथ आपको इधर दो एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और आप जो ये वाला सामने वाला एसी वेंट अपना देख रहे हो, ये आपको ऐसे मिलता है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है केबिन के अंदर, तो उसका धुआं बाहर जाने के लिए आपको एक इधर से स्लॉट देखने को मिल जाता है, और एक फिल्टर आपको इधर देखने को मिल जाता है। साथ हम लोग बात करते हैं जो हमारे चार एसी वेंट हमें आगे देखने को मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर आपको केबिन लाइट देखने को मिल जाती है। और इस साइड अगर हम लोग बात करते हैं, इधर आपको अपना वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऊपर आपको फ्यूज बॉक्स वगैरह मिल जाता है, लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ उधर आपको अपना एसी टेम्परेचर कितना करना है और कितना नहीं करना, वार्म करना है, कूल करना है, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग बात करते हैं इसके इंजन केबिन के बारे में। तो जो आपको इंजन केबिन देखने को मिलता है, वो आपको हाइड्रोलिक्स के साथ देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इधर आपको हाइड्रोलिक्स देखने को मिलता है, जो कि दो हाइड्रोलिक्स हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आपको 90 HP पावर देखने को मिलती है। इसके साथ आपको यहाँ पे एयर फिल्टर देखने को मिलता है, इधर आपको इंटरकूलर देखने को मिलता है, पीछे आपको इसके अंदर अपना एसी फिल्टर देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, आपको टर्बो चार्ज आपको इंजन देखने को मिलता है। और अब हम लोग इसके अंदर बात करें, इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, आपको डबल रोड पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। तो जो आपको इंजन का केबिन देखने को मिलता है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एक बार मैं आप लोगों को पूरे तरीके से दिखा देता हूँ। तो जो इंजन का केबिन मिलेगा, वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।